हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई एंड हाउ ऑफिशियल में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नागपंचमी के दिन सपेरे सांपों को दूध पिलाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि सांप क्या सच में दूध पीते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सपेरे नागपंचमी से पहले सांपों को पकड़कर उनके दांत तोड़ देते हैं और जहर की थैली निकाल देते हैं। इससे सांप के मुंह में घाव हो जाता है। इसके बाद सपेरे सांप को करीब 15 से 30 दिन तक भूखे प्यासे रखते हैं। नागपंचमी के दिन सपेरे घूम घूम कर उसे दूध पिलाते हैं। दरअसल सांप दूध नहीं पीता है, सांप तो मांसाहारी जीव है। भूखा सांप दूध को पानी समझकर पीता है। दांत तोड़ने और जहर थैली निकालने की वजह से मुंह में बने घाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और 15 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।